चारों पैनल हमारे ऊपर आ चुके हैं UTL सोलर के ये पैनल है, और जैसे कि आप देख सकते हैं छत पे ज़्यादातर जगह भर चुकी है और यहाँ पर पैनल्स वगैरह लगेंगे, पानी वगैरह डाला रहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 2 मई 2024 और अभी सुबह के 7:45 के आसपास हो रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे रूम में से ब्लॉग आज क्यों शुरू नहीं किया, तो रूम में शोर सो रहा है अभी और मैं लाइट जलाना नहीं चाहता था, लाइट जलाता तो पता चले जग जाए अभी से ही, तो सोने दो बाहर जाके बनाते हैं। और आज का काम ये चल रहा है, अभी काम चालू हो चुका है, गेहूँ धुले जा रहे हैं। जब पुटला खाली गया था तो ऊपर 4 बोरी गेहूँ निकले थे, तो बोरियाँ नीचे लेके आनी पड़ रही हैं। अभी तक मैं 3 बोरी लेके आ चुका हूँ, एक और बची हुई है ऊपर, फिर उनको धुल के सबसे ऊपर छत पर डाला जा रहा है टोकरी में भर के। तो मम्मी धोती जा रही हैं और मैं और पापा छत पर डाल रहे हैं। मुझे लगा था शायद 4 बोरी को आज ही खाली करके डालना पड़ेगा, तो मैंने 3 बोरी तो नीचे उतार दी थी, उसमें से 2 बोरी मम्मी ने साफ कर दी। और जैसे कि आप देख सकते हैं छत पे ज़्यादातर जगह भर चुकी है और यहाँ पर पैनल्स वगैरह लगेंगे, पानी वगैरह डाला रहता है, तो अब इतनी जगह तो बचती नहीं छत पर कि 2 बोरी ज़्यादा साफ़ हों, तो 2 बोरी के गेहूँ यहाँ पर आए। अब 2 बोरी कल धुली जाएंगी या फिर परसों धुली जाएंगी जब ये वाले सूख जाएंगे। तो एक टोकरी और बचा हुआ है नीचे गेहूँ, 3 टोकरी ऊपर आ चुके हैं, वो भी डाल देते फटाफट से हम ख़त्म हो। अभी फैले नहीं हैं, फैलाने और हैं। नीचे आया इधर कि गछड़ा वाली गाड़ी का सायरन आ गया, बज रहा है ना। तो ऊपर सौर के बर्थडे पे यहाँ पर जो डेकोरेशन हुआ था उसके बैलून्स वगैरह निकाल के पापा ने गत्ते में कर दिए थे, इन सबको कचरा वाली गाड़ी में डाल देते हैं। पहले सोचा था बच्चों में बांट दें, ध्यान ही नहीं रहा, पिचक गया सब रखे रखे पाद तेरा पाद। तो भैया गेहूँ वगैरह छत पर डालने के बाद मैं लग गया था एड टैंक में, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह एडिट करने लगा, और वैसे ही चने फ्राई कर लिए साथ में आम की खट्टी मीठी चटनी। हाँ हाँ दोस्तों, अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और मैं जा रहा हूँ मार्केट, बुआ जी को दिखाना है थोड़ा हॉस्पिटल में। घर से दोस्तों बुआ जी आई थी, ताऊ आए थे और पापा आए थे, तो वो लोग चले गए जयदीप शर्मा डॉक्टर जो बैठता है यहाँ पर, उसी के यहाँ पर दिखाने के लिए। अब जब ये लोग फ्री हो जाएंगे उसके बाद निकलेंगे वापस से घर के लिए। भैया शाम के 6 बज चुके हैं और मैं उधर से आके सो गया था, अभी अभी मम्मी ने बोला कि सोलर वाले पैनल्स लेकर आ चुके हैं, बाहर खड़ा है टमटम, चारों पैनल उतर चुके हैं, एक पैनल तो वो लोग ऊपर ले गए, 3 ये रखे हुए हैं। अभी ये वाला पैनल हटे तो मैं आपको दिखाऊं क्या स्पेसिफिकेशंस हैं पैनल की। और दोस्तों 2 पैनल ये जो पीछे रखे हुए हैं मैंने आपको बताया था ना पहले वाले ब्लॉक्स में, ये वाले वापस हो जाएंगे। तो ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर चारों पैनल हमारे ऊपर आ चुके हैं, UTL सोलर के ये पैनल है। और यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्पेसिफिकेशंस, थोड़ा इसको मैं सीधा कर लूँ, तो यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है, 540 वाट के ये पैनल हैं। और हाँ जो टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपर्क, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है मोनोपर्क। और मैंने आपको पहले के ब्लॉग में दिखाई दिया था हमारे एंगल वगैरह फिट हो चुके थे, सूख गए सही से, सत्य में आई नहीं तो की बात नहीं करो मान पर। पैनल्स तो दोस्तों इंस्टॉल हो गए हैं लेकिन अभी कनेक्शन नहीं हुए, कनेक्शन कल ही करवाएंगे। अंधेरा भी ज़्यादा हो गया है, चेक भी नहीं हो पाएगा अभी, कल बोल रहे उजाले में आ जाएंगे तब कर देंगे, चेक भी हो जाएगा हल्की हल कितनी क्या बिजली बन रही है और कनेक्शन भी सही हो जाएंगे। पापा ने गेहूँ भी भर दिए, फटाफट से इसको भी नीचे ले चलते हैं, सूख गए। दोस्तों अभी 9:03 हो रहे हैं रात के और सौर देवा आराम से मस्ती में देख रहा है टीवी। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग में बस इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।